हेलो दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द सेल डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज नोन एज। जो सेल डिवीजन हो रहा होता है, एक सेल से जो अपनी दो सेल डिवाइड हो रही होती हैं, तो वहां पर जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है जैसे कि यार ये जो पोर्शन होता है सेंटर वाला, ये रहता है न्यूक्लियस, और जो बाहर का पोर्शन रहता है वो रहता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जब कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो कौन से स्टेज के अंदर होता है? माइटोसिस के अंदर होता है, टेलोफेज के अंदर होता है, मेटाफेज के अंदर होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है। फटाफट से कमेंट कर दें इसको। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आप लोगों को कमेंट करना है। एक बार पिक्चर के तरीके से आप समझ लें, यहां पर जब भी हम लोग सेल डिवीजन की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर क्या आता है? प्रो मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर दोनों के दोनों सेपरेट हो गए हैं और साइटोप्लाज्म बिल्कुल डिफरेंटली सेपरेट हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।